एकदम सॉफ्ट, रसीले और बहुत ही मजेदार। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रसगुल्लों की रेसिपी, और इन्हें मैं बनाऊंगी सूजी से। सूजी के गुलाब जामुन तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज मैं बनाऊंगी सूजी के रसगुल्ले, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है और केवल 2-3 चीजों से आप इन्हें फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नए तरीके के सूजी के रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी चाशनी। इसके लिए आप लीजिए कोई भगोना या कोई पतीला, और इसमें लेंगे 1 कप चीनी, और इसी कप से इसमें डाल देंगे 2 कप पानी। इसे कर लेंगे एक बार मिक्स। अब हमें चीनी को पानी में घुल जाने तक पकाना है। हमें रसगुल्ले के लिए एकदम पतली चाशनी बनाकर तैयार करनी है, क्योंकि रसगुल्ले की चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती। चाशनी में ना तो कोई तार बनाना है और ना इसे ज़्यादा देर तक पकाना है, बस चीनी पानी में घुल जाए तभी तक हमें इसे पकाना है। और यहाँ चीनी पानी में अच्छे से घुल गई है और चाशनी में उबाल आ गया है, तो गैस को कर देंगे ऑफ। और अब मैं इसमें बढ़िया सा फ्लेवर और खुशबू लाने के लिए डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच गुलाब जल। घर पर गुलाब जल बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आप एकदम प्योर गुलाब जल घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के एंड स्क्रीन पर दे दिया है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। गुलाब जल की जगह आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब लेंगे एक पैन और इसमें लेंगे 1 कप दूध। दूध आप कच्चा या बॉयल किया हुआ किसी भी तरह का ले सकते हैं। यहाँ हमने गर्म दूध लिया है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप सूजी। सूजी आप मोटी वाली या बारीक वाली कोई भी ले सकते हैं। अच्छे से कर देंगे इसे मिक्स, फ्लेम को कर देंगे लो। अब हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। अभी जल्दी ही आप देखेंगे कि सूजी दूध में फूल जाएगी और मिक्स गाढ़ा होने लगेगा। इसे लगातार चलाते रहें, वरना ये जल जाएगा। अगर आप कच्चा दूध लें तो उसे पहले आप बॉयल कर लें, और एक उबाल आने के बाद ही सूजी को ऐड करें। अब देखिए मिक्स गाढ़ा होने लगा है। इसे लगातार चलाते रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे इसमें गांठें ना पड़ें। अब आप देख सकते हैं कि सूजी अच्छे से फूल गई है और मिक्स भी हमारा गाढ़ा होने लगा है। तो इस स्टेज पर इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। घी डालने से ये चिकना हो जाएगा और इसका चिपचिपापन खत्म हो जाएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच चीनी। चीनी को आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि रसगुल्ले को तो हमें ऑलरेडी चाशनी में पकाना है। अब घी और चीनी को अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और तब तक इसे पकाएंगे जब तक मिक्स बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए और इसका सारा चिपचिपापन खत्म ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि मिक्स काफ़ी थिक हो गया है और ये डो के फॉर्म में आ गया है, और इस तरह से करने पर ये पैन को छोड़ने लगा है। काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी। थोड़े से मिक्स को लेकर आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। इस तरह से करने पर आसानी से इसकी बॉल सी बन रही है। तो अब मिक्स रसगुल्ले बनाने के लिए परफेक्ट है। इससे ज़्यादा हमें इसे बिल्कुल नहीं पकाना है। तो जब मिक्स इस तरह से डो की फॉर्म में आ जाए और एकदम स्मूथ हो जाए, तो गैस को कर देंगे ऑफ। बस इसी स्टेज तक हमें इसे पकाना है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, और इसे इस तरह से प्लेट में फैला देंगे जिससे मिक्स थोड़ा ठंडा हो जाए। मिक्स हल्का ठंडा हो गया है, तो अब हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर इसे मसल लेंगे जिससे ये एकदम स्मूथ हो जाए। हथेली से इस तरह से इसे मसलना है जब तक ये स्मूथ ना हो जाए। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम रसगुल्ले की बॉल्स बनाएं तो उन पर क्रैक्स ना पड़ें। हल्के गर्म में ही आप अगर इसे मसल लेंगे तो ये अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। जिस तरह से हम आटे का डो बनाते हैं ना, उसी तरह से इसका भी डो बना लेंगे। तो यहाँ हमने इसे बढ़िया से मिक्स कर लिया है, तो अब थोड़े से मिक्स को लेकर नींबू के साइज़ की बॉल्स बनाएंगे। बिल्कुल क्रैक्स फ्री बॉल बनानी है हमें। अगर क्रैक्स रह गए तो आपका रसगुल्ला परफेक्ट नहीं बनेगा। बिल्कुल इस तरह की। तो यहाँ मैंने सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं, और इनमें जरा भी क्रैक्स नहीं है, एकदम स्मूथ। देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं ये एक साइज के बॉल्स, और इतने मिक्स से 20 रसगुल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई है, तो पहले मैं इसे गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि हमें चाशनी एकदम गर्म चाहिए,
खोलती हुई चाशनी में ही हमें बॉल्स को डालना है। तो यहाँ चाशनी में बॉयल आ गया है, चाशनी में कोई तार नहीं है, बस चीनी घुली है और इस तरह से उबाल आना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पर हम धीरे धीरे रसगुल्ला बॉल्स इसमें डालते जाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और एक एक दो दो करके बॉल्स को चाशनी में डाल देंगे। अब सारी रसगुल्ला बॉल्स हमने चाशनी में डाल दी हैं और इस पर 6 से 7 मिनट के लिए लगा देंगे लिड और लिड लगाकर इन्हें बढ़िया से पकने देंगे। 6-7 मिनट हो गए हैं और हमारे जो रसगुल्ले हैं अच्छे से पक गए हैं, चाशनी इनके अंदर समा गई है और ये एकदम जूसी हो गए हैं। पहले की अपेक्षा साइज भी इनका फूलकर बड़ा हो गया है। तो अब गैस को कर देंगे ऑफ और इन्हें हल्का सा ठंडा होने देंगे, फिर इन्हें एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारे बहुत ही स्पेशल एकदम सॉफ्ट और मज़ेदार जूसी रसगुल्ले हैं बिल्कुल तैयार। इन्हें बनाने के लिए ना तो हमें मावा चाहिए, ना मिल्क पाउडर, ना मैदा और ना छेना, बस थोड़ी सी सूजी और दूध से आप ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रसगुल्ले बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक भी रसगुल्ला फटा नहीं है क्योंकि हमने इसकी बॉल्स एकदम क्रैक्स फ्री बनाई और मिक्स को अच्छे से मसल कर स्मूथ कर लिया था। अब ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं हमारे रसगुल्ले। अब मैं इसे काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम सॉफ्ट और अंदर तक चाशनी पहुँची है, कोई भी गांठ नहीं है, एकदम सॉफ्ट जूसी जिसे देखते ही खाने का मन करने लगे। आपके रसगुल्ले भी ऐसे ही बनेंगे अगर आप इन्हें मेरे तरीके से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आप भी इन रसगुल्लों को बनाइए और इंजॉय कीजिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय।